स्टूडेंट्स, हम टाइम सीरीज एनालिसिस का चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज टॉपिक हमारा फिट अ स्ट्रेट लाइन। इसमें दो पार्ट्स, दो तरीके से स्ट्रेट लाइन आज करनी है हमने, जिसमें कि एक हम जो टाइम पीरियड है उसमें पूछा गया होगा कि बिगनिंग में रखें और फिर टाइम पीरियड को मिडल में रखें। जैसा कि क्वेश्चन है, फिट अ स्ट्रेट लाइन बाई टेकिंग ओरिजन एट द बिगनिंग ऑफ द टाइम पीरियड एंड सेकेंड पार्ट में एट द मिडल ऑफ द टाइम पीरियड। यानी कि दो मेथड से आपने स्ट्रेट लाइन फिट करनी है। वेरी इजी, कैलकुलेट करते हैं। ईयर्स पुट गिवन है हमें और प्रोडक्शन, ये दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है। प्रोडक्शन जो भी हो, वैल्यूज लिखी हो, प्रोडक्शन हो, प्राइसेस हो, आपने उसको वाई लिख लिया करना है। उसके अगेंस्ट वैल्यूज हैं वो लिख लेंगे। अब हमने एक्स रखना है अपना वेरिएबल, जिसमें कि उसने पहले पार्ट में कहा है कि जो ओरिजिन है वो आपने बिगनिंग में रखना है, यानी कि बिल्कुल स्टार्ट में रखना है। 2008 फर्स्ट जो हमारा ईयर है, पहला साल है, उसके सामने एक्स की वैल्यू आपने जीरो, ओरिजिन जब आपने रखना है बिगनिंग में तो जीरो से ही इसको स्टार्ट करना है। तो पहला जीरो होगा, उसके बाद फिर जो उसके बाद अगला वैल्यू होगी उसकी नेक्स्ट वन, फिर टू, थ्री, फोर, अगर 2013-14 भी होते तो फिर फाइव, सिक्स एंड सो ऑन इसी तरह। तो स्टूडेंट, हमने इसका फार्मूला लिख लेना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब पहले जो हम क्वेश्चन करते रहे हैं उसमें ए का फार्मूला होता था सम ऑफ वाई ओवर एन और बी का फार्मूला होता था सम ऑफ एक्स वाई ओवर सम ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है ये फार्मूला यूज़ करने के, वो कंडीशन ये क्या है कि आपका सम ऑफ एक्स हर हाल में ज़ीरो होना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन में एक्स का टोटल, एक्स की वैल्यूज का टोटल अगर ज़ीरो आ रहा है तो फिर आप ये दोनों फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये फार्मूले हर किसी अप्लाई नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, दो नॉर्मल इक्वेशंस चाहिए। नॉर्मल इक्वेशंस के जरिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहली नॉर्मल इक्वेशन ये हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से बनती है, सम ऑफ वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सम ऑफ एक्स, और दूसरी है सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए सम ऑफ एक्स प्लस बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर जो हमें रिक्वायर्ड है सम्स, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। यानी कि हमें सम ऑफ वाई का टोटल चाहिए, वाई की वैल्यू उसका, फिर एन ए एन नंबर ऑफ ईयर्स, सम ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू उसका टोटल कर लेंगे 10 आया, फिर सम ऑफ एक्स वाई यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। ये इधर हमने एक नया टेबल बना लिया, फिर सम ऑफ एक्स भी चाहिए हमें, एक्स की वैल्यूज का टोटल, और बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यूज का स्क्वायर कर लेना है। इनका स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4, 3 9 और 4 का 16, इनका भी टोटल कर लिया, पुटिंग द वैल्यूज। अब वो सारे सम हमने इन दो इक्वेशंस के अंदर पुट कर लेने हैं। सम ऑफ वाई की जगह पे 30 आ गया। सो इस तरह जब हमने वैल्यूज पुट कर लेनी है तो पहली इक्वेशन को इक्वेशन वन कह देंगे और दूसरी को इक्वेशन टू। अब स्टूडेंट्स, हमने इनको साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है। अब देखें, हमें या तो बी को क्रॉस करेंगे ख़त्म करेंगे या फिर ए को ख़त्म करेंगे। तो देखिए, अगर हम इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई करें तो टू फाइव ज़ार टेन, तो टेन ए हो जाएगा, नीचे टेन बी, तो ये कट सकते हैं। ठीक है, अगर बी को काटना चाहते हैं पहले तो फिर आपने इक्वेशन वन को थ्री से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि टेन थ्री ज़ार थर्टी, तो ये कट आउट हो जाएगी। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हमने क्या किया, लिखा है टू यानी इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, लेकिन इक्वेशन वन को किससे मल्टीप्लाई किया है, टू से। सबसे पहले आपने टू लिखा है तो इक्वेशन टू लिख देंगे, इक्वेशन टू को एज इट इज़ आपने ऐसे ही लिख देना। ठीक है, फिर माइनस करेंगे उसमें से इक्वेशन वन, लेकिन इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई करके लिखना। तो थ्री थर्टी को टू से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ गया, फाइव को टू से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, और 10 को टू से मल्टीप्लाई किया तो 20। जब हम माइनस करते हैं दो इक्वेशन को तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का है तो माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस, तो ये 10 है प्लस का है, ये 10 ए माइनस का, तो दोनों कट डाउन हो जाएंगे। ये कट हो गए तो हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि पीछे हमारे पास ए की वैल्यू बची वो बी की। तो 80 माइनस 60 20 आया, इज इक्वल टू 30 माइनस 20 10 बी। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो बी का हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 2, बी इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट, ये जो बी है आप इसको चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें, आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए, हमने यहाँ पे क्या पुट, बी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेजन 1। अब हमने इसको इक्वेजन 1 में पुट किया, ये देखें ये बी है, इसकी जगह पे हमने सिर्फ 2 रख देना, बाकी एज इट इज ही लिखेंगे सारी। ये देखें 30 प्लस 5 ए प्लस 10 इन टू 2, तो 2 10 आर 20, 20 प्लस हो रहा है, उधर जाके 30 से माइनस हुआ तो 10, 5 डिवाइड हो गया, तो 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर 2। सो द फिटी लाइन इज
जो लाइन हमने फिट की वह वाई हैट इज इक्वल टू टू प्लस टू एक्स, ए की वैल्यू भी टू है और बी की वैल्यू भी टू है, तो यहाँ पे रख देंगे ए की जगह भी टू और बी की जगह पे भी टू, ठीक है। तो ये हमारी लाइन यहाँ पे फिट होगी। चलिए अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में उसने कहा है एट द मिडल ऑफ द टाइम पीरियड, तो देखिए अब आपके पास ऑड डाटा है। जब स्टूडेंट ऑड डाटा हो तो जो सेंटर वाला आपका मिडल होता है वहाँ पे आपने क्या करना है, एक्स का एक्स की जो वैल्यू वो जीरो रखनी है, ऊपर को माइनस चलेंगे और नीचे को प्लस चलेंगे, ऊपर फिर माइनस वन माइनस टू, नीचे को वन टू। तो अब देखें जब आपके पास एक्स का टोटल जीरो आ गया, ठीक है, सम ऑफ एक्स, तो आप अब ये फार्मूले यूज कर सकते हैं, ये ए इज इक्वल टू सम वाई ओवर एन एंड बी इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई ओवर सम ऑफ एक्स के। ये इन साइमल्टेनियस इक्वेशन से काफ़ी आसान है, फ़ौरन हल हो जाते हैं। अब देखें पहला फार्मूला है सम ऑफ वाई ओवर एन, हमें क्या चाहिए वाई का टोटल, वो 30 है, ऑलरेडी इधर कैलकुलेट कर चुके हैं हम, तो 30 डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ईयर्स 6 आ गया। उसके बाद बी है सम ऑफ एक्स वाई और सम ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखें सम ऑफ एक्स वाई, सम ऑफ एक्स वाई, अब देखें जब हमने ओरिजिन शिफ्ट किया बिगनिंग से मिडल पे, तो देखें हमारे सम भी चेंज हो गए। देखें सम ऑफ एक्स इधर 0 है, इधर 10 है, उधर सम ऑफ एक्स स्क्वायर 10 है, इधर सम ऑफ एक्स स्क्वायर 30 है, सम ऑफ एक्स वाई 80 है और इधर 20 है। अब देखें बी है, बी का फार्मूला है सम ऑफ एक्स वाई ओवर सम ऑफ एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्या करना है, सम ऑफ एक्स वाई यानी कि 20 डिवाइडेड बाई सम ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है 10, डिवाइड किया तो ये 2 आ गया। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इसमें हमने अब ए और ये बी जो कैलकुलेट किया है उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये फिटेड इक्वेशन लाइन आ गई हमारे पास 6 प्लस 2x। ये तो था हमारा जो क्वेश्चन गिवन था। इसमें एक एक्स्ट्रा काम किया हमने, ये जो मैंने रेड में इसको सॉल्व किया, इसमें ना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में मैं पूछ लेता होता अक्सर क्वेश्चन, कैलकुलेट रेजिडुअल्स, रेजिडुअल कैलकुलेट करें और शो दैट दे आर जीरो, जीरो के ये इक्विवेलेंट होते हैं। ये देखें सम y माइनस वाई हैट इज इक्वल टू जीरो, इसको कहते होते हैं रेजिडुअल्स। जब आप y से y हैट जो फिटेड लाइन है वो माइनस कर दें तो वो क्या होता है, जीरो, ऑलवेज जीरो होता है। इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास y हैट की सारी वैल्यूज होनी चाहिए। वो कैसे कैलकुलेट करनी है, वेरी सिंपल, आपने ये वाली जो लाइन कैलकुलेट की है, फाइंड आउट की है, इसको एज इट इज आपने ऊपर लिख लेना है, 6 प्लस 2x, ये हमारे पास क्या है, वाई हैट। अब स्टूडेंट्स करना क्या है, एक्स की जगह पे हमने एक्स की वैल्यूज ये वाली पुट करते रहना है। इसमें पहले हमने पुट किया एक्स की जगह पे माइनस टू, तो माइनस टू टू ज़ार फोर और माइनस का फोर, सिक्स से माइनस किया तो ये टू आ गया। फिर माइनस वन पुट करेंगे फोर आ जाएगा, फिर एक्स की जगह पे जीरो, फिर वन और फिर टू। तो इस तरह आपके पास ये सारी वाई हैट की एस्टिमेटेड वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है y माइनस वाई हैट। तो स्टूडेंट ये आपके पास y है, ये आपके पास y हैट है, सो सिंपल, आपने y की सब वैल्यूज में से y हैट की सब वैल्यूज माइनस करनी है। देखें पहला मैंने वो दो सॉल्व कर दी है आपने, ये देखो y की वैल्यू पुट की वहाँ पे 2 और y हैट की क्या है, ये भी 2, 2 माइनस 2 0, फिर 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 6 0, तो इनको कैलकुलेट किया तो ये 0 आ गई। स्टूडेंट्स यहाँ तो सारी 0 आ रही हैं, कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब हम इनको माइनस करते हैं, जैसे यहाँ पे फ़र्ज़ करें 3 1 हो, यहाँ पे 2 है, 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा यहाँ पे जवाब, ठीक है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास माइनस में कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं और कुछ प्लस में, जब लेकिन उनको हम कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो उसका सम 0 आता है। तो ये नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे सारी ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो कोई भी इनकी माइनस करें, वाई माइनस वाई हैड, कुछ भी वैल्यू आपने यहाँ पे लिखते रहना है, लेकिन जब उनको आप सम आउट करेंगे, जमा करेंगे, तो वो ज़ीरो होगा। स्टूडेंट्स ये तो पहला पार्ट हमने किया है साइमल्टेनियस इक्वेशन से, एक ये मेथड है और एक मेथड है इक्वेशन मेथड है। अब हम इक्वेशन मेथड से भी इसको, फार्मूला मेथड से भी इसको सॉल्व करते हैं, जहाँ पे ए और बी के हमारे पास फार्मूले गिवन होते हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हम वाई हैट की जो वैल्यूज़ हैं स्ट्रेट लाइन की, अब अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करते हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन मेथड। ये जो हमने सॉल्व किया इक्वेशन मेथड, अब बच्चों हम इसको फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। फार्मूला मेथड में ए का जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला है वाई बार, इसको बार पढ़ना, वाई बार माइनस बी एक्स बार, और बी का फार्मूला है एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ वाई।
अपॉन एन इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वेयर। अब स्टूडेंट इसमें सम ऑफ एक्स स्क्वेयर और सम ऑफ एक्स होल स्क्वेयर में बहुत फ़र्क है। इसका मतलब है आपने एक्स की सारी वैल्यू का स्क्वेयर किया और फिर उनका सम किया, एक्स की सारी वैल्यूज़ का स्क्वेयर किया फिर उनका सम किया। इसका मतलब है कि आपने एक्स की सारी वैल्यूज़ का सम किया फिर उसके टोटल का स्क्वेयर किया, यानी कि एक्स की सारी वैल्यूज़ का सम किया जो 10 है, 10 का हमने स्क्वेयर करना है। यहाँ किसके इसके अंदर क्या पुट करना है, 10। सॉल्व करते हैं इस फार्मूले में। अगर जब ये फार्मूला मेथड चूज़ करते हैं सबसे पहले बी को कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि ए तभी मालूम कर सकते हैं जबकि हमारे पास बी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हो। तो बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो बी का फार्मूला है ये, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एन हमारे पास 5 है, 5 साल हैं, 5 ईयर्स पुट किया। सम ऑफ एक्स वाई, ये देखिए सम ऑफ एक्स वाई 80 है, 80 रखा। माइनस सम ऑफ एक्स, एक्स का टोटल 10 पुट किया। और सम ऑफ वाई, वाई का टोटल हमारे पास ये 30 पुट किया। नीचे आपने रखना है एन इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वेयर, पहले एन 5 है, सम ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये बच्चे एक्स की वैल्यू इसका स्क्वेयर है 30 पुट करेंगे। माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वेयर, सम ऑफ एक्स कितना है, एक्स का टोटल 10 का स्क्वेयर। इसको सॉल्व करेंगे, पहले ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर लें, उसका आंसर आता है 100, और नीचे वाले को सॉल्व करेंगे उसका 50, डिवाइड किया 100 अपॉन 50, बी इज इक्वल टू 2। अब ये दो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वाई बार और एक्स बार चाहिए। वाई बार इसका फार्मूला है सम ऑफ वाई ओवर एन, वाई सम ऑफ वाई कितना है 30 और एन कितना है नंबर ऑफ ईयर्स, तो 30/5 विच इज इक्वल टू 6। अब एक्स बार इसका फार्मूला है सम ऑफ एक्स ओवर एन, सम ऑफ एक्स हमारे पास 10 है और एन हमारे पास 5 है, 10/5 2। वाई बार और एक्स बार और बी तीनों वैल्यूज़ हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो अब हम इजीली ए कैलकुलेट कर सकते हैं। ए का फार्मूला लिखेंगे वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो वाई बार की जगह पे हमें वाई बार 6 पुट कर दिया, बी की जगह पे बी इज इक्वल टू 2 रख दिया, और एक्स बार की जगह पे एक्स बार इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया। 2 2 4, 6 - 4 2। सो फिटिंग लाइन हमारे पास है वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे 2 पुट कर लेंगे, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फिट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स आपके पास दो मेथड हैं, एक है फार्मूला मेथड, ये फार्मूला मेथड है और इसको कहते हैं इक्वेशन मेथड। जो आपको इजी लगता है आप उसे कर लें, इसमें फार्मूले यूज़ करने पड़ते हैं, इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ती है।